नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद है जन सरोकार मंच के प्रणेता श्री अशोक जी सक्सेना साहब, श्री देवेंद्र जी जोशी साहब, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। पाती मुहिम के प्रणेता आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी सर, मैडम मीना जी सिरोला, आपके हम आभारी हैं जिन्होंने पत्र के माध्यम से आनंद की अनुभूति के अवसर प्रदान किए। जब भी पाती के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी भी रचनाकार की जो पहली कृति होती है वो शायद कोई पत्र ही होती है। जब माँ कहती है कि बेटा एक चिट्ठी लिख दे ननिहाल के लोगों को, वो कहती है एक चिट्ठी लिख दे तेरी बड़ी बहन के ससुराल वालों को, और हम तैयार हो जाते हैं अपनी माँ की भावनाओं को पत्र में संजोने के लिए। कलम कलम से शब्द निकलते हैं और शब्द एक कृति बना देते हैं पत्र के रूप में। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जहाँ पत्र लिखना एक बहुत बहुत सुकून भरा काम होता था और एक अनिवार्य शर्त होती थी संप्रेषण की। पाती जो भावनाओं की एक कृति होती है, हर रचनाकार की पहली कृति पाती ही होती है। ननिहाल को लिखा हुआ पत्र, बड़ी बहनों के ससुराल को लिखा हुआ पत्र, हम उस पीढ़ी के लोग हैं। आज संचार के इतने माध्यम हो गए हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान इतना तीव्र हो गया है, लेकिन संवेदनाएं भावनाएं खो गई हैं। रफ्तार में यकीनन कुचल जाएंगी भावनाएं, रफ्तार में यकीनन कुचल जाएंगी भावनाएं, उनको बचाने की फिक्र है किसको? उनको बचाने की फिक्र है हमारे नेगी दंपति को, जिन्होंने पाती मुहिम को चलाया और भिन्न भिन्न तरह के सेतु बना दिए, चाहे वो माँ बेटी के बीच है, माता पिता संतान के बीच है। लेकिन इस बीच एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, पत्र जो एक व्यक्तिगत धरोहर हुआ करते थे, हम लोग जिन्हें मखमल के कपड़ों में संजो संजो के रखा करते थे, आज वही पत्र एक नए स्वरूप में उदय हुआ है। क्योंकि जब व्यक्तिगत चेतना से हम सामूहिक चेतना की ओर जाते हैं और समाज के उत्थान के लिए, वो पत्र एक धरोहर के रूप में, एक पुस्तक के रूप में लोगों के हाथ में आता है, तो लिखने वाले की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मैं अपनी बेटी को पत्र लिखती हूँ, लेकिन उन सारी बेटियों के बारे में सोचती हूँ जो अपनी माँ से कहीं दूर है। जो बेटी अपनी माँ से दूर है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जो बेटी माँ के पास भी है, क्या हम उसे अपनी भावनाएं संप्रेषित कर पा रहे हैं? पत्र एक इतना अचूक शस्त्र है। शस्त्र शब्द शायद कुछ अच्छा नहीं लगता हो, मैं उसको माध्यम कह देती हूँ। एक ऐसा अतुलनीय माध्यम जो शब्दों में रस भर के, करुणा भर के, संवेदनाओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ऐसी सुंदर अनुभूति पत्र ही दे पाते हैं। मैंने अपनी बेटी को पत्र लिखा,
पत्र की भाषा जो मेरी भावनाओं को लेकर वहां तक पहुंचती है। आखिर क्यों लिखा जाता है पत्र? मुझे कई बार बहुत सी पुरानी बातें याद आ जाती है, जब हम फिल्म देखा करते थे और बेटा अपनी माँ का पत्र पढ़ रहा है और उस पत्र में उस माँ के चेहरे को देख रहा है, प्रेमी अपनी प्रेमिका का पत्र पढ़ रहा है और उस पत्र में अपने प्रेमिका के चेहरे को देख रहा है, वो अनुभूति, वो कल्पना, शायद उस पर कुछ कुठारा घात हो गया है। क्यों नहीं संप्रेषित हो पाती हमारी भावनाएं, इस पर मैंने कई बार विचार किया है। आपसे इसी बहाने अपनी बात को साझा करना चाहती हूं। एक बात आपने नोट की है कभी? जब हम या कोई भी अभिभावक या कोई भी माँ या कोई भी पिता अपने काम से घर लौटता है तो बच्चों की आंखें क्या अपने अभिभावक के चेहरे को पढ़ती है? फेसबुक मुझे नहीं पता कि ये नाम फेसबुक, हर फेस एक बुक है। वो बुक जब पढ़ना बंद हो गई तो संवेदनाओं के तार टूटने लगे, आंखों से आंखें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि हमारी आंखें कुछ और ही देख रही हैं, कभी लैपटॉप देख रही हैं, कभी मोबाइल को देख रही हैं। माँ की आंखों को देखना, पिता की आंखों को देखना, पिता की आंखों में कौन सा प्यार है, कौन सा आशीर्वाद है, माँ की आंखों में कौन सी पीड़ा है, कौन सी करुणा है, इसे पढ़ना जब भूल जाता है इंसान, तो पाती एक सुदृढ़ माध्यम, एक सुंदर माध्यम बन के आता है। हम बहुत सी बातों को अनकहा छोड़ रहे हैं और उस अनकहे का बोझ, उस बोझ को उठाते उठाते बहुत से लोग अपने जीवन के आनंद को खो चुके हैं और उस आनंद को शायद हम सोशल मीडिया में खोज रहे होंगे। मुझे कई बार लगता है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे समाज से जुड़ गए, वाह, और मेरे बगल में बैठा मेरे परिवार का सदस्य मुझसे दूर हो गया, और पाती उसने सहयोग कर दिया। आज पाती की जरूरत इस तरह से हो गई है कि वो संवेदनाओं में प्राण फूंक दे, मृत होती भावनाओं को पुनः जिंदा कर दे। मैं इस मुहिम को, इस मां सलाम करूं उतनी बार कम पड़ जाता है कि मैंने अपनी बेटी को पत्र क्यों लिखा। पत्र को पढ़ के सुनाना एक अलग बात है, वो यदि मेरे सामने बैठी हो तो मैं शायद उससे सारी बात कह पाते हैं। सवाल यहीं पर है, क्या हम अपने अनकहे को कह पाते हैं? नहीं ना, तो ये प्यारे शब्द हमारी सारी भावनाओं को लेकर एक हृदय से दूसरे हृदय तक चले जाते और उसके बाद हम निःशब्द हो जाते हैं। अपनी दूर बैठी हुई बेटी को ये समझाना कि बेटा, इस समाज में चारों तरफ जो घटनाएं हम सुन रहे हैं, तुम उनसे कैसे बची रहोगी? कभी कभी ये सोचना, मैं यहाँ पर एक बात जरूर आपसे करना चाहती हूँ। मेरे मन में कई बार ये बात आती है, हमारा बच्चा कैसे खुश रहे, ये हम अक्सर सोचते हैं और शायद उसे खुश रखने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, उसकी पसंद का खाना बनाते हैं, उसकी पसंद की चीजें लाते हैं,
उसको भौतिक सुख सुविधाओं से लैस कर देते हैं, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो क्या यहाँ जीवन की शिक्षा पूरी हो जाती है? बस इसी बिंदु पर मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रही थी। सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ है? मेरा ख्याल है, आप शायद इससे इत्तफाक करें, मेरा ख्याल है कि यदि हम खाना खा के खुश होते हैं, भोजन करके खुश होते हैं, तो कभी कभी बच्चे को ये भी सिखाना पड़ता है कि बेटा भूख की परेशानी को झेल कर भी तुम खुश रहो, हम ऐसा चाहते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ कब तक रहेंगे बेटा, कब तक तुम्हारे आगे पीछे जाते रहेंगे हम। तुम्हारे अंदर ऐसी खूबसूरती होनी चाहिए कि कैसी भी विपत्ति आए पर तुम उससे घबराओ नहीं। और ऐसे में सुविधाएं प्रदान करते करते हम उन सुविधाओं को एक बार रोक कर देखें, क्या सारी खुशियां भौतिक चीजों में बसती हैं? क्या सारी खुशियां अच्छे से स्वाद में बसती हैं, या अपनेपन का आनंद, एक दूसरे को साथ देने का आनंद, वो शायद सुविधा भोगी लोगों के बीच में नहीं आ पाता है। और इस बात को मैं कैसे संप्रेषित करूं, मैं कैसे संप्रेषित करूं कि मैं अपनी बेटी को अपने हृदय में बसा के रखती हूं। अपनी ही नहीं, वो सारी बेटियां जो समाज में कुछ करना चाहती, वो सारी बेटियां जो खुश रहना चाहती। खुश रहने का आखिर क्या तरीका हो? बस ऐसा ही कुछ सोचते हो मैंने एक पत्र अपनी बेटी को लिखा। मैं अब उस पत्र का वाचन इसलिए कर रही हूं क्योंकि यदि मैं उसे वाचन नहीं करूंगी तो शायद उसमें से कोई सूत्र छूट जाए, और मैं नहीं चाहती कि उसमें से कोई सूत्र छूटे, इसलिए मैं अब अपने पत्र का वाचन करना चाहती हूँ। आप सबका समय चाहती हूँ, आप धैर्यपूर्वक मुझे सुन रहे हैं, मुझे स्वीकार कर रहे हैं, मुझे इसका आनंद अनुभव हो रहा है। आप सभी सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपना पत्र वाचन शुरू कर रही हूँ जो कि मैंने अपनी बेटी को लिखा था। प्यारी बिटिया, सुभाशीष, कैसी हो, क्या कर रही हो? अरे अभी तो तुम मेरा पत्र पढ़ रही हो। कितनी ही बातें की है हमने और कितनी ही अनकही रह गई। हर बार तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने या कहीं घूमने के लिए या किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए यहाँ से दूर गई हो। तुम्हारा घर से दूर जाना अलग प्रकार का होता था क्योंकि तुम्हें हम ही छोड़ने चले जाते थे, लेकिन इस बार मुझे मालूम है कि तुम अपने आप को पाने के लिए, खुद को आजमाने के लिए, अपने ढंग से इस दुनिया को समझने के लिए, दुनिया से दो चार होने के लिए घर से दूर जा रही हो। तुम्हारी कोशिश से तुम्हें जॉब का ऑफर तो पहले ही मिल गया था, लेकिन उस दिन अचानक तुमने घर से दूर रहकर जॉब करने का निर्णय किया और चल पड़ी। हर बार हम तुम्हें गंतव्य तक छोड़ने जाते हैं, पर उस दिन तुम हौसले के साथ मुस्कुराती हुई जब ट्रेन में बैठ गई, सच बहुत अच्छा लगा। यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। तुम जानती हो मैंने बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया, लेकिन उनमें जो नैसर्गिक अंतर है उनके अनुरूप उन्हें अवसर दिए। दोनों की क्षमताएं, अनुभव, आवश्यकता, संवेदनाएं उनकी अपनी अपनी हैं। रोज व्हाट्सएप पर जो कुछ मन भावन मैसेज आते हैं ना बेटा, उन्हें हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन मन की बात तो मन में ही रह जाती है। तुम यहाँ थी तब इतनी सर्दी में भी रजाई से निकलकर मेरे काम में हाथ बटाने लगती थी। दादी माँ को दवाइयाँ देना, दूध गर्म करना,
सब आता है मुझे याद। तुम जब छोटी थी ना, मैं बहुत गुस्सा करती थी, तुम अच्छी लड़की कब बनोगी, तुम पढ़ाई भी नहीं करती। बेटा, एक दिन तुमने बड़ी मासूमियत से कहा था, माँ ये जरूरी नहीं कि जो क्लास में ज्यादा नंबर लेकर आता है वो सबसे अच्छा है। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? और तुमने रुआंसी होकर बताया था, मम्मी क्लास में जो फर्स्ट रैंकर है ना, वो मुझे चिढ़ाती है, मेरे तेल लगे बालों, मेरे बैग और यहाँ तक कि मेरे टिफिन का भी मजाक बनाती है। तुमने बताया था कि तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, और बस हम दोनों दोस्त बन गए। बहुत अच्छा हुआ, जल्दी समझ गई कि मेरी भोली भाली बेटी को एक दोस्त चाहिए, और मैंने दोस्त बनने का प्रयास किया। तब तुम केवल 10 साल की थी, लेकिन कितने समझदार, क्योंकि तुमने ही तो मुझे बताया कि अच्छा होने का सही अर्थ क्या है। अच्छा होना मतलब किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचाना। मैं जब भी तुम्हें टोकती थी, तुम्हारे पापा और तुम मिलकर मेरा मजाक बनाते थे, मेरी नकल करते थे, कितना हंसते थे हम सब। मगर बेटा, ये भी तो सच है ना कि तुम हमेशा हमारे साथ नहीं रहोगी, विवाह होने के बाद तुम्हें दूर जाना होगा, इसीलिए तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाने की जल्दी रहती है मुझे, जिससे हमसे दूर रहकर भी तुम खुश रहो, अपने आप को परिपूर्ण अनुभव करो। मुझे याद है, कई बार समय अभाव में या किसी छोटे मोटे कारण से मैं तुम्हारे पसंद का कोई व्यंजन नहीं बना पाई, या कभी जन्मदिन पर तुम्हें कोई खास भेंट नहीं मिली, तब भी तुमने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, कोई जिद नहीं की। एक तरह से यह सब अच्छा ही हुआ। तुमने किसी भी वस्तु में खुशी नहीं ढूंढी, तुमने अपनों के अपनेपन को पहचान लिया। मैं भी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करके अपने प्यार का प्रदर्शन नहीं करना चाहती हूँ बेटी, मैं तुम्हें हर हाल में मुस्कुराना सिखाना चाहती थी, और शायद मुझे सफलता मिल गई है। आत्मनिर्भरता केवल भौतिक संसाधनों की उपलब्धता से नहीं होती है, अपनी खुशी, अपनी मानसिक संपदा के लिए भी तुम्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जीवन ऐसा ही है, समझ सको तो एकांत में भी मेला, और ना समझो तो मेले में अकेला। सच बेटा, सारी समझदारी के बावजूद भी मुझे कभी कभी डर लगता है। आज के समय में चारों तरफ छल और स्वार्थ की घटना देखती हूँ ना, तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी पर इसकी छाया न पड़े। मेरी ही क्यों, किसी भी लड़की पर ऐसी छाया न पड़े। वहां तुम दूर हो, तुम्हें खुद अपना मार्गदर्शन करना है। युवा अवस्था जोश और संवेदनाओं का दौर है। पुरुष के अनेक रूप होते हैं, भाई, पिता, दोस्त, सहकर्मी, लेकिन बेटा प्रकृति से तो वो सब पुरुष है ना। तुम्हारा मर्यादित और साहसी व्यवहार तुम्हारी हर दुविधा को दूर करेगा, वो तुम्हें राह दिखाएगा। लोग कर्म और भाग्य की बातें करते हैं, लेकिन कर्म से ही तो भाग्य बनता है ना। मेहनती बनो, दयालु बनो। मैं तो चाहती हूं कि तुम्हारे आसपास जो बुरे से बुरा व्यक्ति है, उसे भी तुम खुश रखो, तभी तो वो अपना होगा ना। मैं भी बातों बातों में
कहाँ पहुँच गई। पर तुम समझ रही हो ना मेरी भावना। अपना ख्याल रखना और सुनो, रात को देर तक जब सेल फोन देखती हो ना, लैपटॉप पे काम करती हो, तब लाइट को ऑन करके रखना। मैंने ये बुराई तुम्हारी पीढ़ी में बहुत देखी है, लैपटॉप पर काम करते हुए और सेल फोन देखते हुए जब हम लाइट बंद करते थे ना, तो रेडिएशंस का आंखों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और चाहो तो आंख बंद करके एक बार देख लो, अंधेरा सा छाने लगता है, रेटिना खराब हो जाता है। फिर तुम सोच रही होगी कि क्या कहने लगी ये मेरी पगली माँ। चलो अब बस करती हूँ। तुम चिट्ठी पढ़कर हंस रही हो ना अपनी पगली माँ पर। जल्दी ही मिलेंगे, ढेर सारा प्यार और सुभाशीष, तुम्हारी माँ। ये है मेरा पत्र, सारी बेटियों के नाम, सारी उन बेटियों के नाम जो कोमल हैं और दुनिया की कठोरता के बीच उन्हें चलना है। मैं जानती हूँ गुलाब की सुरक्षा के लिए कांटों की जरूरत होती है। कई बार हम लड़ते झगड़ते कांटे बहुत सारे बो देते हैं, लेकिन उस फूल की खुशबू को बिखरने से न रोके। इस पाती ने मुझे संप्रेषण का एक माध्यम दिया। जाते जाते एक बात आप लोगों से और करना चाहती थी, सभी के लिए ये पाती आज के युग का एक सशक्त माध्यम है। हम अपने परिवार में कितनी ही बातों को अनकहा छोड़ देते हैं। कई बार मुझे यूं याद आता है, आपका बेटा रात को देर से घर आ रहा है, आप बहुत चिंतित हैं, आप विश्वास करना चाहते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये किसी भी गलत राह पे नहीं है, लेकिन मन बार बार घबराता है कि किसी व्यसन में तो नहीं है, कहीं उसकी कोई आदत तो गलत नहीं है, और हम पूछने में भी घबराते हैं। तो क्यों ना एक चिट्ठी लिख दे प्यारी सी अपने बेटे को, अपने प्यार दुलार से भरते हुए अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखे, उसे पूछ ही लेना कि बेटा तू कैसा है, तू क्या कर रहा है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। और भी मैं तो ये कहती हूँ कि यदि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हमारी बात यदि संप्रेषित, हमारी चिट्ठियों से अलग हटकर हम व्यक्तिगत पाती लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं, अपनी भावनाएं लिख सकते हैं, अपनी योजनाएं लिख सकते हैं और अपने बीच की गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। पति पत्नी जो दूर दूर रहते हैं, भौतिक दूरी है ये, लेकिन दिल तो पास है ना, और उन दिलों को पास लाने का काम करती है ये पाती। एक बात और, ये पाती लिखने से अब डरते क्यों हैं लोग? क्योंकि पाती में है रिकॉर्ड और मैसेज है, कभी भी आप उसे डिलीट कर दें, यूज एंड थ्रो। लेकिन पाती, ये प्यारे पत्र जिन्होंने हमने कई सालों से संजो के रखा है, आज भी जब हम दिवाली की सफाई करते हैं तो मखमल के कपड़े में लिपटे हुए कुछ पत्र हमें मिल जाते हैं, उनका आनंद ही कुछ अलग है। इस आनंद को पुनर्जीवित किया है पाती मुहिम के प्रणेता डॉक्टर सूर्य सिंह जी नेगी साहब ने। नेगी सर, उनको मैं कहना चाहूंगी कि पत्र केवल हमने किताब के लिए नहीं लिखा, उस किताब को तो सामाजिक धरोहर के रूप में आपने समाज को सौंप दिया है, लेकिन पत्र लिखने की एक ललक वापस हम सब में जगा दी है। पत्र आपकी अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने का एक साधन है। आप सबके
जो भी यहाँ पे मुझे कमेंट मिले हैं, जो मुझे आशीर्वाद मिला है, उन सब के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बातें अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन इस अनंत में, आनंद में डूबते हुए मैं अब अपनी बात को यहाँ समाप्त कर रही हूँ। आशा है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक बात और कहती हूँ, जब हम जब कविता लिखते थे तो 4-5 जनों को बुला के कहते थे कि भाई हमने सरदर्द की दवाइयाँ ले रखी हैं, आपको हम एक एक सरदर्द की गोली दे देंगे, कृपया हमारी कविता सुन लीजिए। यदि कहीं ऐसा ही हाल आपका हो रहा हो मेरी बातें सुनते हुए, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा और सरदर्द की गोली मैं ज़रूर भेज दूँगी। लेकिन आशा करती हूँ कि पाती के महत्व को मैं आप तक पहुँचा पाई हूँगी और पाती के आनंद को मैं स्वयं ले रही हूँ, आप सब भी लेवें। सभी सुधी श्रोताओं दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात को अब यहीं समाप्त करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।